जर्नलिस्ट्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान जार का अधिवेशन शनिवार को भवानी मंडी में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में प्रदेश भर से 300 से अधिक पत्रकार शामिल हुए। इस मौके पर एनयूजेआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष रास बिहारी, महासचिव प्रदीप तिवारी, जार के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राकेश कुमार शर्मा, पूर्व महासचिव संजय सैनी, कोटा प्रेस क्लब के अध्यक्ष गजेंद्र व्यास, झालावाड़ प्रेस क्लब अध्यक्ष संजय बाफना, जार के प्रदेश उपाध्यक्ष भंवर सिंह कुशवाहा व अशोक श्रीमाल, झालावाड़ जार अध्यक्ष दिलीप जैन ने पत्रकार हितों से जुड़े पत्रकार सुरक्षा कानून, वेज बोर्ड, पत्रकारों को सम्मानजनक मानदेय, पत्रकार अधिस्वीकरण योजना, मेडिकल योजना आदि पर विचार रखे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक कालूराम मेघवाल ने कहा कि बजट में सरकार ने सरकारी कर्मियों की तर्ज पर पत्रकारों को मेडिकल सुविधा की घोषणा की। वे पत्रकार समाज की हर मांगों के समाधान के लिए कार्य करेंगे। विधानसभा में पत्रकार सुरक्षा कानून की बात रखी है। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों की वजह से पत्रकारिता बदनाम हो रही है, ऐसे लोगों का बहिष्कार करें। पत्रकार सुरक्षा कानून बनाया जाना चाहिए, इससे पत्रकार की भाषा व दायित्व तय होंगे। सच्ची पत्रकारिता से ही लोकतंत्र मजबूत रहा है और आगे भी मजबूती मिलेगी। पत्रकारिता से ही समाज की तकलीफों का समाधान हो रहा है। अधिकारियों की निरकुंश प्रवृत्ति पर रोक लगती है। जन मुद्दों की बातें मीडिया के माध्यम से सरकार तक पहुंचती है और समाधान भी होता है। पत्रकारों की मांगों के समाधान का पूरा प्रयास करेंगे। वहीं नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट इंडिया के अध्यक्ष रास बिहारी जी व महासचिव प्रदीप जी तिवारी को कोटा शहर, कोटा ग्रामीण, झालावाड़, बूंदी जार अध्यक्षों ने पत्रकार हितों के लिए सौंपा मांग पत्र। कोई हो तो उसमें बहुत अच्छा इस क्षेत्र का काम होगा, इस देश का काम होगा और ये देश तरक्की की ओर आगे बढ़ेगा। जो भी विकास कार्य होते हैं वो हमेशा पत्रकारिता के माध्यम से आप जगाते हैं, आप जनता को जगाते हैं, आप सरकार को जगाते हैं, नेता लोगों को जगाते हैं, मंत्रियों को जगाते हैं, मुख्यमंत्रियों को जगाते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण चीज है आपकी, क्योंकि पत्रकार जो लिखता है उसके सभी विचार करता है। आपकी कॉपी जब सुबह उठ के कलेक्टर पढ़ता है तो 10 बार उस पर विचार करता है। आपकी कॉपी जब जाती है कोई थाना में जाती है, अधिकारी के पास जाती है तो दिन में 5 बार आपको वो याद करेगा कि यार ये क्या चीज होगी, इस पर हमको विचार करना चाहिए। तो चौथा स्तंभ बहुत बड़ा स्तंभ है आपके पास, इसमें यही है कि हम उसको ईमानदारी से करें और सच्चाई से करें। आप इसी प्रकार से आप करेंगे तो हमारा देश बहुत आगे। लोकतंत्र में एक अच्छी शुरुआत हो, लोग सही तरीके से काम करें, उसके लिए सही पत्रकार का होना बहुत आवश्यक। मैं कई बार सरकार को घने परिश्रम किए, हमने संसद को कई बार घेरा, राष्ट्रपति को ज्ञापन दिए हैं, प्रधानमंत्री को ज्ञापन दिए हैं और हमारी मांग पे महाराष्ट्र में जब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने पत्रकार सुरक्षा कानून बनाया, उन्होंने बाद में लागू नहीं किया, तैयार किया था उन्होंने। उसके बाद में विधानसभा चुनाव से पहले भूपेश बघेल की सरकार ने छत्तीसगढ़ में पत्रकार सुरक्षा कानून अधिनियम बनाकर लागू किया। उसके बाद हमने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आए 4 लाख रुपए लगाए पढ़ने के लिए, अब पढ़ कर जब आए तो हम भीड़ में खड़े हो गए। हमारे यहाँ व्यापारी भी है, हमारे यहाँ नेता भी पत्रकार है, कई आप देखिए संस्थाओं में हमारे यहाँ कोई भी व्यक्ति चाहे वो ठेले वाला हो चाहे रिक्शा वाला हो, सभी वो किसी अखबार का रजिस्ट्रेशन कराए, आई कार्ड लिया और पत्रकार बन गया। तो हमको इस चीजों से निजात कैसे मिलेगी? जब तक कोई कानून नहीं बनेगा, जब कानून बन जाएगा तब इससे निजात हमको मिलेगी। जो हम भीड़ में दिख रहे हैं वो कहीं ना कहीं हम अलग दिखेंगे, हम भी वो 4 खंभे के पायदान में होंगे। वो जो खबर पालिका है वो खबर पालिका असली खबर पालिका कहलाएगी, जिस तरह से न्यायपालिका, जिस तरह से व्यवस्थापिका, जिस तरह से कार्यपालिका, ये जिस तरह से इनका नाम दिया है। अभी तो हम ऐसे हवा में उड़ रहे हैं, हमने ये कह दिया कि हम खबर पालिका है, कौन से नियम में किस कानून में लिखा है कि हम खबर पालिका में, हमको कौन सा अधिकार है, हमको अधिकार मुसीबत है। और भी जो सुविधाएं मिलती भी है, जो अधिकृत पत्रकारों को मिलती है वो अपने दूसरे साथियों को मिले, उसके लिए प्रयासरत है संगठन और वो काम चल रहा है और आप सबके सहयोग से ही ये काम हो पाएगा। इसलिए
संगठन से अच्छे लोग जुड़े हैं, उसकी बराबर आप यापन और इस तरह का भी माहौल देते रहे। एक तीसरी बार यहाँ अपने चेयरमैन साहब बोरा साहब जी भी हैं, मैं भी तीसरी बार आया हूँ और मैं साहब जी हैं। तो पहले भी दो बार उन्होंने कहा था कि भाई भवानी मंडी के पत्रकार आवास योजना का मुद्दा उठाया था, उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि भाई हम यहाँ करेंगे। तो इस बार फिर तीसरी बार आपको कह रहे हैं कि भाई आप करें, आपके तो सभी ये साथीगण हैं, आपके साथ पॉलिटिकल रूप से भी जुड़े हुए हैं, कार्यकर्ता भी रहे हैं, तो उनके लिए अगर आप करेंगे तो काफ़ी एक बड़ी अच्छी मदद होगी उसमें। और पत्रकारों का अगर कोई आर्थिक संभव हो सकता है तो यही चीज़ हो सकती है। बाकी सभी मुद्दों पे तो सब काम कर ही रहे हैं, हमारा संगठन बस यही देखना चाहता है कि ये आप लोगों के पीछे खड़ा है, आपकी कोई भी समस्या समाधान के लिए हम लोग आगे हैं, जयपुर के अंदर बैठे हैं, राष्ट्रीय स्तर पे हमारे साथ, इसीलिए हमने राज जी को, दीप तिवारी जी को बुलाया कि एक बार हमारा सबका हौसला बुलंद हो जाए। हम नीचे ग्रामीण लेवल पे जो लोग काम कर रहे हैं उनका उनकी समस्याएं सब जानते हैं वैसे, वो भी कोई आप लोगों की समस्या है तो हम आए बताएं और हम संगठन से जुड़े आवास के लिए। जहाँ तक बात की तो राज्य स्तर पर पॉलिसी बनी हुई है बाकायदा, तो जहाँ तक मेरा मानना है कि अध्यक्ष जी को इस मौके को चूकना नहीं चाहिए और पॉलिसी बनी हुई है और सभी जिलों के अंदर बल्कि तहसील स्तर पर लागू है, तो इस मौके को अध्यक्ष जी को चूकना नहीं चाहिए। मेरे हिसाब से भी मेरा अनुरोध है कि वो भी हमारी मांग पर गौर करवाएँ। और तो एक दिन छूट गया, क्षमा चाहता हूँ, वो मैं भी लेट हो गया थोड़ा सा। हमारी बीओसी गीता मीणा जी जो बैठी है झालावाड़ में, बड़ा तगड़ा काम करती है, ये हमारा अखबार संभालती है। पत्रकारों के समस्याओं पर चर्चा और समाधान दोनों में बहुत डिफरेंस है। लोकतंत्र में तीन स्तंभों का संविधान में उल्लेख है, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका। अभी जो चौथा स्तंभ बना है, ये चौथा स्तंभ है मीडिया, ये स्वयंभू स्तंभ है। जर्नलिस्ट इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राज बिहारी जी साहब और इन दोनों के अतिरिक्त सभी विशिष्ट अतिथि माननीय राष्ट्रीय महासचिव भाई साहब प्रदीप तिवारी साहब, पालिका अध्यक्ष कैलाश जी वोरा काका साहब, पालिका उपाध्यक्ष अनिल मीणा साहब, पूर्व पालिका अध्यक्ष रामलाल जी मित्र साहब और हमारे मित्र समाज सेवी गहलोत साहब, आदरणीय श्री कामिला जी साहब और चार जो मेरे प्रस्तावक और मुझे आगे तक ले जाने के लिए रात दिन प्रोत्साहित करने वाले और मुझे अपना आशीर्वाद देने वाले आदरणीय अशोक जी भाई साहब और हमारे आदरणीय के राठी जी भाई साहब जो जान को विशेष सहयोग देते रहते हैं। आप राधेश्याम मंदिर के ट्रस्ट के अध्यक्ष भी हैं और मंदिर ट्रस्ट के साथ हमने गत वर्ष जान मंदिर ट्रस्ट ने मिलकर एक कैंसर शिविर भी आयोजित किया था। जयपुर से उसकी टीम आई थी भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल की और पौधारोपण का कार्य भी हमने